जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज। जी हाँ, मैं आपको आज लेके चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश की उस नगरी में जिसे नोएडा गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश सरकार की वह जगह जहाँ आए दिन दिल्ली से जाकर के और देश के कई कोने से लोग आकर के कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर या हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैनों से कभी ना कभी प्रताड़ित रहते हैं। वहीं आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रपति भवन के नीचे ही काम करते हैं, वो राष्ट्रपति भवन के बिल्डिंग के पास ही काम करने वाले के साथ भी हो जाता है इतनी बड़ी चीटिंग उत्तर प्रदेश में, जो लगातार शिकायत करना, लगातार लोगों से गुहार लगाते रहे, लेकिन आज 4 साल से ऊपर होने जा रहा है, फिर भी उनके साथ कोई भी मदद नहीं मिल पाई इन सरकारी तंत्रों का। जैसा कि आपने देखा कि एक बैंक से लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदी गई, वह बैंक का लोन चुकता हो गया, बैंक ने उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया कि आपने हमारा पैसा दे दिया। इसके बावजूद भी वह जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री किसी और के नाम हो जाती है और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, ना ही मकान मिल पाता है। उन्होंने कई बार लोगों से संपर्क साधा तो बड़े बड़े अफसर कह देते हैं ये कि भाई उस व्यक्ति के पास, उस प्रॉपर्टी डीलर के पास तो बहुत केस पड़ा है, अब हम क्या करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर अगर कई केस है तो दोबारा केस नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं उनके अधिकारी। तो देखिए कितनी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की उस सुशासन में आज भी कितने लोग परेशान हैं, यह आपसे खुद बताएंगे जो प्रताड़ित लोग हैं और कितने लोगों से के पास गए, क्या क्या किए और कितने कागजात मजबूत होने के बाद भी उनके साथ हो गया इतना बड़ा धोखाधड़ी। तो आप देखिए क्या कार्यालय में लिखा था, उसके बाद वो चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गई, पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी गई है, और उसके बाद में SSP नोएडा से जो बिल्डर है उसका वैल्यू इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PK सिंह डायरेक्टर था और बहुत सारे साथी थे उसके, एक ऑफिस दिल्ली में है और एक सेक्टर 63 नोएडा में है उसका। ये मेरा अलॉटमेंट लेटर, मैंने सितंबर 2009 में पेमेंट दी थी, डील की थी, तब तक ये फ्लैट बनने शुरू नहीं हुए थे। ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं राजनगर एक्सटेंशन मोल्टा विलेज में। यानी कि ये बुकिंग जी, बुकिंग के समय की लेटर है ये, उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है कि फ्लैट कब देंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या शर्तें हैं, और ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौता, इसमें बिल्डर मेरा और बैंक DHFL के बीच में समझौता हुआ था। 12 लाख रुपये लोन दिया गया था मुझे जो कि मैंने बिल्डर को दिया था। बुकिंग के समय 50,000 और 1,40,000 2,40,000 कैश दिया था और 12 लाख DHFL ने लोन दिया था, 14,40,000 जो कि 90% है 2009 में दे दिया था और बिल्डर का फ्लैट हमें 2013 में मिलना था। ये जब 12 लाख का लोन दे दिया तो मॉर्गेज किया था फ्लैट, उसके बाद जब हमने पैसे वापस कर दिए बैंक को तो हमें लोन, आपने तो लोन पूरा क्लियर कर दिया, तो उन्होंने NOC दे दिया, NOC भी आपको मिल गया। इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट विशाल केसरवानी नाम के किसी व्यक्ति को बेच दिया और इस विशाल केसरवानी को बहुत सारे फ्लैट बेचे हैं, और बाद में मुझे 2014 में जनवरी में कंपनी के किसी एम्प्लॉय के ईमेल से पता चला कि मेरा मकान किसी और को बेच दिया गया है। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास गई और उन्होंने SSP नोएडा को भेज दी उचित कार्रवाई के लिए। ये चिट्ठी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के यहाँ से, उनके ऑफिस से उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को गई थी, इन्होंने भी SSP नोएडा को चिट्ठी भेजी कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। मैं SSP नोएडा ग्रेटर नोएडा सूरजपुर गया था, वहाँ धर्मेंद्र यादव जी नहीं मिले, लेकिन उन अभिषेक यादव जी जो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ग्रामीण थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मेरी पूरी शिकायत सुनी और मेरे सामने SPCT दिनेश यादव जो सेक्टर 6 नोएडा में बैठते थे उन्हें फ़ोन पर कहा इसके जाँच की जाए,
कि इस केस की 420C के तहत जांच की जाए। मैं वहां से सीधा सेक्टर 6 दिनेश यादव जी के ऑफिस में गया और उनसे बात की, उनको रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस आदमी के ऊपर बहुत सारे केस हैं और ये भागा हुआ है। लेकिन कुछ साठ गांठ होगी निश्चित रूप से, यानी ये कोई कार्रवाई नहीं, नहीं की उन्होंने कोई भी कार्रवाई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक, अभी जो गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक क्राइम हैं प्रकाश कुमार जी, वो जांच कर रहे थे क्योंकि चिट्ठी बार बार जा रही है, मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ सब जगह, प्रधानमंत्री कार्यालय को फिर भेजा मैंने रिमाइंडर, तो उन्होंने मई में मुझे फ़ोन किया था, लॉकडाउन था तो उन्होंने केस को बंद कर दिया, लेकिन उनके ऑफिस से मुझे सलाह दी गई थी कि सेक्टर 6 में जो DCP ऑफिस है नया बनाया है वहाँ जाइए, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराइए, कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं और मेरी पत्नी दोनों पिछले शुक्रवार को DCP ऑफिस नोएडा गए थे, वहाँ मिले, लेकिन उन्होंने हमें सेक्टर 14A में भेज दिया। सेक्टर 14A में गए, गर्मी इतनी थी हम परेशान होकर गए, सेक्टर 14A में गए, उन्होंने फिर से कह दिया कि आपका केस यहाँ का नहीं है, ये थाना कहीं और चला गया है, तो आप SSP ऑफिस ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जाइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि किस प्रकार मैं पहले वहाँ होके आ चुका हूँ और उसके बाद मैं घर आ गया निराश होकर के। जो UP प्रशासन है वो आपको मदद नहीं कर रहा, घुमा कर रहा, इधर से उधर घुमाया जा रहा है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। बाकी और भी पेमेंट मेरी पूरी जा चुकी है बिल्डर को जी, और 2016-15 से पहले जा चुकी है सारी पेमेंट, लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डर भगौड़ा है, यूपी पुलिस चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती है क्योंकि वो एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल भी आया था लेकिन बेल जंप करके अंडरग्राउंड हुआ है, 4 साल से अंडरग्राउंड है वो जी, 4 साल अंडरग्राउंड है, उसे कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट संरक्षण है ना, संरक्षण मिला हुआ ऊपर, कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ उसको। बिल्डर ने 2 फेज बनाए थे, एक फेज का कंप्लीट कर दिया था काम, आधा अधूरा उन्होंने फ्लैट का पोजीशन दे दिया था, तो 10 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनके फ्लैट उसने इसी एक परिवार को, केसरवानी परिवार को बेचे हैं, विशाल केसरवानी, विनीता केसरवानी और सौरभ केसरवानी, ये 9-10 फ्लैट जो दिए हैं, ये परिवार दिल्ली में प्रीतमपुरा में रहता है। इसके अलावा उस बिल्डर ने 400 लोगों का पैसा लेके आधा अधूरा ढांचा खड़ा करके वो भागा हुआ है, सब अंदर के ग्रुप है इनका जी, ये सारे उसके साथ हैं, और मैंने इन सबके लोगों के एड्रेस दिए हैं क्योंकि बिल्डर अपना दिल्ली का ऑफिस और ग्रेटर नोएडा का ऑफिस बंद करके भागा हुआ है जी। और मुझे दुख इस बात का है कि आपने कभी शिकायत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जी, मैंने अभी पोर्टल पे भी डाला है, यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर, CM योगी के पोर्टल पर डाला है, जो वहाँ के गवर्नर उनके पोर्टल पर डाला है, और चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल पर भी डाला है।